तू जानना नहीं चाहता कि मैंने ऐसे क्यों किया। ये बैंड बाजा बारात बंद कर दी, सभी फैसला बाजी। हाय, मैं हूँ आदर्श वैद्य और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ टेली रिपोर्टर पे। खुशी का कारण ये है कि मेरी मेरी फियांसे सोनम गोयल की शादी नहीं हो रही है जिसके साथ होने वाली थी। और एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक आशय का किरण या रे ऑफ होप शिवम की ज़िंदगी में वापस एक बार आ चुका है। एंड बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पर था अभी मैं ऑन स्क्रीन कि अगर शादी हो जाती तो बहुत कुछ होता, लेकिन अब शादी नहीं हुई है तो एक शिवम के लिए एक आगे ज़िंदगी जीने का एक क्या उसे कहते हैं एक मकसद है। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन कुछ आशिक ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ अपने अपने प्रेमिका के आसपास ही घूमती है, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। और शिवम का काफ़ी कुछ एक बैकग्राउंड है जहाँ पे उसके कुछ अपने रिश्ते वो खो चुका है। आप अगर एपिसोड देखते हैं तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और अगर ये भी चले गए तो वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं ये वल्नरेबल स्टेज है जो आज कहीं ना कहीं उसे खुशी है कि सोनम की शादी नहीं हो रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब सोनम की शादी सिर्फ उसी से होगी। और उसे ये भी लगता है कि सोनम सिर्फ उसी से प्यार करती है, हालांकि सोनम ने ये कहीं ना कहीं उसे कन्विंस किया है और वो कन्विंस हो चुका है। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर शिव। अब इसके आगे स्टोरी कैसे डेवलप होगी और आगे जाके क्या होगा ये तो मुझे खुद को पता नहीं है, बट आई थिंक उसके लिए आपको एपिसोड्स देखने होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। हालांकि मैं ये इतना जानता हूँ कि बहुत ड्रामा है शो में, हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है, कहानी है। और शिव के लिए तो बहुत है, मैं जितने भी सीन्स कर रहा हूँ मुझे बेहद मज़ा आ रहा है करने में। एंड आई होप दैट यू ऑल्सो यू नो यू ऑल आर एन्जॉइंग इक्वली। तो यस, जैसे जैसे स्टोरी अब आगे बढ़ेगी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रिश्ते, काफ़ी सारे ट्विस्ट ये आपके लिए बाहर आएंगे। एंड आई थिंक यू नो रियली यू गाइज आर गोइंग टू एन्जॉय इट, सो प्लीज़ वॉच इट एंड प्लीज़ लेट मी नो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे और सोनम के काफ़ी सीन्स हो चुके हैं। इनफैक्ट मेरे और सोनम के सबसे ज़्यादा सीन्स हुए इस शो में, क्योंकि अभी तक बाकी फैमिली मेम्बर्स या इनसे मेरा रिश्ता क्या है ये शो में अभी तक पता नहीं चला है। शायद वो आगे जाके कुछ रिवील हो जाए, बट अभी तो मेरे यार 90% सीन्स जो होते हैं वो सोनम के साथ ही होते हैं। तो इस साल तो लकीली फॉर मी दशहरे के दिन ही मेरा बर्थडे आ रहा है। एंड यार मैंने तो वैसे छुट्टी निकाली है, मैं एक और एक चीज़ है जहाँ पे आई हैव टू बी एट सम कमिटमेंट। एंड अपने घर के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ घर पे लंच होगा, एक बर्थडे लंच होगा, क्योंकि मैं वो भी मानता हूँ कि अपनी फैमिली को उतना ही टाइम हमें देना चाहिए, तो वो भी कोशिश जारी रहती है।